टॉपिक डाउन टुडे वी बी डूइंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और इसमें हम लोगों ने कर लिया हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस तीन तरह से हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस करी थी द फर्स्ट वन व्हिच वर कॉमन टू बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स द सेकंड वन व्हिच वाज फॉर ओनली एल्डिहाइड्स एंड द थर्ड वन व्हिच वाज फॉर ओनली कीटोन्स नाउ टुडे वी विल गो ऑन टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू अगेन डिवाइड द स्टडी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज अंडर फाइव डिफरेंट हेडिंग्स ठीक है So some of them we will discuss in this lecture and some of them we will discuss in the next lecture. So let's go to the physical properties. When we're talking of physical properties, it is seen that the smaller members, they exist as gases. Like for example, if we are talking of methanol that exists as a pungent pungent smelling gas ठीक है that is going to exist as a pungent smelling gas ethanol that exists as a volatile liquid and the members up to 11 carbon atoms they are going to be colorless liquids and the higher members they are going to be solids ठीक है so 11 carbon atoms there they all exist as liquids और उसके बाद they exist as solids second जो है lower aldehydes जो होते हैं they are going to have an unpleasant odor lower aldehydes they have an unpleasant odor ठीक है unpleasant का मतलब it does not have a very good smell फिर उसके बाद जो higher होते हैं जैसे-जैसे molecule जो है वो बड़ा होता रहेगा number of carbon atoms increase होते रहेंगे तो जो odor है that keeps on becoming less pungent और ज़्यादा fragrant right जो aldehydes होते हैं ketones और aldehydes जो कि naturally occurring होते हैं जैसे vanillin हो गया vanillin is an aldehyde तो वैनिलिन जो है उसकी इतनी अच्छी स्मेल होती है या खुशबू होती है दैट इट इज यूज्ड टू फॉर्म वनीला एक्सट्रैक्ट जो कहां यूज होता है मेकिंग आइसक्रीम्स राइट इन केक्स आल्सो और उसी तरह से सिनेमल्डिहाइड भी एक हायर मेंबर है जिसमें सिनेमन जो है सिनेमन इज दालचीनी की भी बहुत अच्छी सी खुशबू होती है तो हायर मेंबर्स में अनप्लेजेंट ओडर से वो चेंज होता रहता है इनटू अ प्लेजेंट ओडर ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट वी गो ऑन टू द थर्ड वन व्हिच इज गोइंग टू बी सॉल्युबिलिटी अगेन इट इज सीन दैट द लोअर मेंबर्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर अप टू 4 कार्बन एटम्स दे आर गोइंग टू बी सॉल्युबल इन वाटर लोअर मेंबर्स दे आर सॉल्युबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्योंकि नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है इसलिए मिसिबिलिटी इन वाटर दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ठीक है फिर उसके बाद द फोर्थ वन वी गो टू बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर गोइंग टू बी हायर देन नॉन पोलर कंपाउंड्स कैसे होंगे जैसे हाइड्रोकार्बन्स So hydrocarbons in ke boiling points higher hote hain because these have a tendency to form hydrogen bonds whereas hydrocarbons do not. Even for that matter, ether se bhi inke jo boiling points hote hain, they are going to be greater. Because ether jo hai, wo weakly polar bonds banata hai, hydrogen bonding nahi banata hai. Aur aldehydes ke lower members jo hai, wo hydrogen bonding banate hain, theek hai? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाते हैं ड्यू टू द रीजन दैट द मॉलिक्यूलर मास दैट इज गोइंग टू इंक्रीज और मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज होता है तो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स जो है दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बट ऑफकोर्स इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी लेस देन दोज ऑफ एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोनों बहुत ही एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इसलिए उनसे ही कम होंगे ठीक है सो व्हाट आर वी सेइंग कि हाइड्रोकार्बन से ज्यादा राइट क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि व्हाई हाइड्रोकार्बन से ज्यादा
because ये hydrogen bonding करते हैं hydrogen bonding hydrocarbons नहीं हम लोग वो करते second ketones से क्यों ज़्यादा ethers से क्यों ज़्यादा because ethers में there is weak polar bonds which are present इसमें hydrogen bonding is present alcohols और carboxylic acids से क्यों कम because alcohols और carboxylic acids इससे ज़्यादा extensive hydrogen bonding हम लोग वो करते ठीक है so this is these are the reasoning questions जो कि one one mark के आपको आ जाते हैं so carbonyl compounds में it is seen that ketones they have slightly higher boiling points than the aldehydes क्यों ऐसा होगा because of two electron releasing groups which are present around the carbonyl atom जो उसे ज़्यादा polar करती है जैसे for example if we are taking the structure of aldehyde ठीक है and we are taking the structure of ketone okay so because यहाँ पे एक ही electron releasing group है यहाँ पे दो electron releasing group है due to two electron releasing groups the molecule that is going to become more polar so if it is more polar तो ketones they are going to have higher boiling points than aldehydes Okay, so it is generally seen कि when we looking at the dipole moment propanol का जो है, that is क्या बोलते हैं उसको इसका methanol का जो है, that is going to be 2.52 और अगर हम propanone का लेते हैं, it is 2.88 तो boiling point जो है ketones का that is going to be higher. So these are physical properties. Let's go on to the chemical properties of aldehydes and ketones. As I just told you कि बहुत सारी chemical properties जो है just going to undergo तो हम लोग पांच तरह की chemical properties इसमें study करेंगे। The first one that is known as nucleophilic addition reactions। ये सबसे आप कह सकते हो common type of properties हैं या reactions हैं nucleophilic addition reactions। Now, as you can see that there is going to be a double bond, C double bond O present. So, we already know कि जहाँ पे भी double bond present होता है, सबसे prominent जो reactions होती हैं, they are going to be what? They are going to be the addition reactions. Okay. अब यहाँ पे क्योंकि oxygen is more electronegative with respect to carbon, therefore nucleophilic addition reaction का मतलब क्या हुआ? The nucleophile is going to attack. और nucleophile क्या होता है? Nucleophile that is going to be negatively charged. Electron-rich species or nucleus-loving species. So when we're looking at the, let's say we are taking aldehydes, right? And यहाँ पे oxygen जो है, that is going to be more electronegative. Therefore, carbon से जो bond है, जो pi electron cloud है, that is going to be shifting more or delocalized towards the oxygen. वो delocalized होएगा oxygen की तरफ, तो oxygen के ऊपर slight negative charge आ जाता है, और कार्बन के ऊपर साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? लेट्स से वी आर टेकिंग अ न्यूक्लियोफाइल जेड नेगेटिव। सो दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट व्हेयर जेड नेगेटिव विल गो एंड अटैक एट द कार्बन एटम। ठीक है? सो फर्स्ट जो ये एडिशन होती है दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो स्टेप सो वी हैव ओवर हियर CH3CO एंड Z. So this is an intermediate which is going to be formed, which is highly unstable. ठीक है? यहाँ पे negative आ गया और इसके बाद अगर हम H positive की presence में इसको heat करते हैं, तो we are going to get the respective addition product, which can be represented as CH3CZHNOH. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So basically what is happening over here is कि the attack can be taken by two different phases, alright? So जैसे एक हम लोगों ने यहाँ पे किया, you can see that the attack that is taking place from the lower phase। उसी तरह से attack can also take place from the upper phase।
तो अपर फेस की तरफ लेंगे तो वहां पे क्या होगा z जो है वो ऊपर की तरफ को ऐड करेगा सो ये बना सकते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑलराइट अब यहां पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स अगर वीक हो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं अमोनिया यहां लोग ले रहे हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स उसको हम लोग वीकली एसिडिक मीडियम में कंडक्ट करते हैं तो वीकली एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हुआ दैट For weaker nucleophiles, the reaction that is going to be catalyzed by an acid, so the reaction that is known as acid-catalyzed nucleophilic addition reaction. ठीक है? अब उसमें आप देखोगे the second type of reactions उसमें हम देखेंगे कि normally जो product बनता है या जो addition product बन रहा है that is highly stable, unstable sorry और उसमें tendency रहती है to lose water molecule. So, उनको हम लोग second heading के अंदर पढ़ते हैं nucleophilic addition reactions followed by loss of water molecule. वो सारी के सारे जो हैं जितने भी हम लोग करेंगे second type of reactions उन सब में loss of water molecule that is going to be very very frequent. ठीक है? So, this is the type of reaction which we have over here. Then let's go on to the relative reactivity of aldehydes and ketones as far as nucleophilic addition reactions are concerned. Of the reactivity, तो हम सारे में देखते हैं कि जब हम लोग comparison करते हैं So, जब हम लोग comparison करेंगे aldehydes and ketones के बीच में, it is always seen that the aldehydes they are going to be more reactive than ketones. ठीक है? What are going to be the reason? There are two reasons because of हम generally बोलते हैं कि when we are comparing the reactivity, aldehydes they are going to be more reactive than ketones. The reason behind this is electronic and steric effects. Okay, so let's see what are these effects. The first one which we are going to do over here, that is the inductive effect. Right? So inductive effect जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर suppose हम लोग formaldehyde लेते हैं so formaldehyde that is going to be HC double bond O and H okay यहाँ पे negative charge जो है that is going to go towards oxygen right so oxygen के ऊपर slight negative charge आ गया electrons उस तरफ को move करते हैं और उसके ऊपर slight negative charge आ जाता है और carbon के ऊपर slight positive charge आ जाता है ठीक है so there are no electron releasing groups as you can see When we go on to aldehydes, याद याद, so ये वाला जो alkyl group है, ये electron releasing है due to plus I effect. तो ये electrons जो है, ये carbon के ऊपर release कर रहा है. यहाँ से ये electrons oxygen के ऊपर जा रहे हैं. तो अब क्या होगा कि in this case greater positive charge अगर होगा, तो reactivity ज़्यादा होगी. Isn't it? अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है टुवर्ड्स कार्बन तो अगर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कार्बन के ऊपर ज्यादा है तो रिएक्शन मोर इजीली होगा अब यहां पे क्या हो रहा है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है अगर उसकी इंटेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल बहुत इफेक्टिवली ऐड नहीं करेगा और कीटोन्स में अगर हम देखते हैं ketones mein there are going to be two alkyl groups which are present so ye jo dono alkyl groups hai ye kya karenge ye carbon ke upar aur bhi kam kar dete hain intensity of the positive charge therefore the reactivity that is going to follow the order formaldehyde sabse zyada reactive towards nucleophilic substitution reactions sorry nucleophilic addition reactions फिर उसके बाद aldehydes and least that is going to be ketones ठीक है सेकेंड जो इफेक्ट होता है द सेकेंड इफेक्ट दैट इज गोइंग टू बी द स्टीरिक इफेक्ट स्टीरिक इफेक्ट में क्या हुआ कि अल्काइल ग्रुप्स का जो साइज है हमें पता है कि दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा होता है
ठीक है. सो जब अगर ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अटैच करने के लिए एक हिंड्रेंस देता है. हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, इट विल नॉट लेट द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टू कम एंड अटैक एट द कार्बन एटम. बिकॉज ऑलरेडी कार्बन के अराउंड अगर बल्कियर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी नो स्पेस. Isn't it? So if there is no space around carbon, the incoming nucleophile will not feel comfortable to come and attach. So that is known as steric hindrance. So basically the steric effect says that if the number of alkyl groups, they are going to be larger. Again, let's take the example of formaldehyde over here. So formaldehyde mein koi bhi alkyl group present nahi hai. अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली आपके कार्बन पे अटैक कर सकता है. एल्डिहाइड्स के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस मे बी ऑफर्ड बिकॉज ऑफ वन बिगर ग्रुप विच इज प्रेजेंट. सो दिस बिगर ग्रुप विल नॉट लेट द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टू कम एंड अटैक एट द कार्बन. ठीक है. एंड सिमिलरली इफ यू टेकिंग द कीटोन्स ओवर हियर, कीटोन्स हैज alkyl groups, right? So if the ketones, they are having two alkyl groups over here, so in that case steric hindrance that is going to be the most. So yaha pe hai na sabse zyada reactivity formaldehyde ki, phir aldehyde ki, and then it is going to be ketones. Ab aromatic aldehydes and ketones jo hote hai, they are going to be less reactive than the corresponding aliphatic. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन एरोमेटिक, देयर इज गोइंग टू बी रेजोनेंस. सो वी टेकिंग द एरोमेटिक, लेट्स लुक एट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो व्हाट आर वी सेइंग ओवर हियर, वी आर सेइंग कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर लेस you can say they are going to be less reactive than aliphatic. So this is because of resonance. If we are looking at the resonating structures, let's take benzaldehyde over here. Resonating structures mein kya hoga, ye jo hai this is going to go over here, this double bond that is going to go over here. Theek hai. As a result of which the first structure which we have negative charge, ठीक है, यहाँ पे positive charge आ जाएगा, right? फिर ये यहाँ shift हो जाता है, ये यहाँ shift हो गया. Their electron, the CHO group is and CO group, they both are electron withdrawing groups. So यहाँ पे we are again going to get C, oxygen, hydrogen, we get a negative charge here and sorry positive charge here. फिर ये इधर आ जाता है और ये positive charge इस position पे चला जाएगा. फाइनली ये वापस आ गया, ये भी वापस आ गया. एंड एच. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट जो बेंजीन रिंग का है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा ऑन द कार्बोनाइल एटम वो डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये यहां से यहां गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, पर ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी बेंजीन रिंग में डिस्पर्स्ड है. बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में डिस्पर्स्ड है तो इस कार्बन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बहुत ही कम हो जाएगा. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की देखते हैं तो C6H5 CHO that is going to be most reactive, फिर उसके बाद C6H5
COCH3 और फिर उसके बाद it is going to be C6H5 COC6H5. So जैसे जैसे groups bulkier होते जा रहे हैं, वैसे वैसे reactivity जो है वो कम होती जा रही है. ठीक है, did you get it? So this is the comparative study. इसमें से आपको 1 mark का question आ सकता है कि why aldehydes they are going to be more reactive towards nucleophilic addition reactions and ketones, या more why benzaldehyde that is going to be less reactive than the aldehydes. So अगर benzaldehyde less reactive than aldehydes आता है, then you have to write down all these resonating structures. So let's go on to some important examples of nucleophilic addition reactions. Some examples of nucleophilic addition reactions. The first one that is going to be addition of hydrogen cyanide, HCl. Okay, this reaction that is going to take place in presence of a base. So let's see what is going to be the mechanism or plan of the reaction. If we're taking a carbonyl compound over here, HCl in presence of a base, this is going to give us an addition product which is known as cyanohydrin. So यहाँ पे आपने कैसे करना है, जो negatively charged होगा वो carbon पे attack होगा. So cyano will go and attack at the carbon and hydrogen will attack at the oxygen. ठीक है, so we have over here COOH CN. These are known as cyanohydrins. Okay, let's take an example. If we are taking over here acetaldehyde, CH3, C double bond O and H, right? In presence of HCN, this is going to give us acetaldehyde cyanohydrin. So same mechanism is going to be followed. We have CH3C and HCN and OH. ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं acetaldehyde cyanohydrin. Okay, now reaction जो है ये pure HCN के साथ अगर हम ये reaction करते हैं तो it takes place very slowly. So, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? As you can see, the reaction that is carried out in presence of a base. अब ये base का क्या रोल होगा? Base जो है, HCN में से hydrogen को extract करके cyano को easily produce करता है. So, base का major जो रोल रहता है, HCN आ गया, base क्या करेगा? OH negative. ये extract कर लेता है यहाँ से proton, so it makes the release of the nucleophile easier. Therefore, base that is going to be used over here. ठीक है? So ये भी आपको question आ सकता है कि why the reaction that is going to take place in presence of a base? तो उसमें answer आपने क्या लिखा है? ये वाला reaction लिख के you have to write that base helps to produce the cyano. Therefore the reaction that becomes easier. Is it clear? अब यहाँ पे ये जो cyanohydrin बना, this is a very important product क्योंकि ये further हमें help करता है to give us certain important products. जैसे for example, it helps us to give us lactic acid. So अगर हम लोग ले रहे हैं cyanohydrin, acetaldehyde cyanohydrin ले रहे हैं, H, OH and CN. ओके, अब इसके अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, दिस इज गोइंग टू गिव अस CH3C OH COOH एंड H.
This is known as lactic acid or 2-hydroxypropanoic acid. ठीक है, 2-hydroxypropanoic acid. Clear? Next, let's go on to the second one. The second is addition of sodium bisulfite. Second is addition of sodium bisulfite. Addition of sodium bisulfite. Sodium bisulfite क्या होता है? NaHSO3. तो आप देखोगे कि सारे reaction में same mechanism is going to be followed. जो negative part होगा, that is going to attack at the carbon atom, and the positive part will attack at the oxygen. So we're taking the reaction over here. C double bond O plus NaHSO3. ठीक है? अब यहाँ पे HSO3 that is going to be negatively charged and Na that is going to be positively charged. So Na will attack at the oxygen and HSO3 that is going to attack at the carbon atom. So my pass aa gaya C okay. Now over here there is a rearrangement which can take place. So the final product which we are going to get over here is going to be this. This is known as bisulfite addition product. Bisulfite addition product. Depending upon ki acetaldehyde ke saath reaction kar rahe hum ya ketone ke saath kar rahe. So let's see ki agar hum log reaction kar rahe hai aldehyde ke saath. So, अगर हम लोग aldehyde के साथ reaction कर ये हाँ acetaldehyde के साथ reaction कर रहे, so यहाँ पे हमारे पास जो product आ जाएगा, that is going to be CH3, CHSO3NA and OH. This is known as acetaldehyde sodium bisulfite. Acetaldehyde sodium bisulfite. ठीक है, अब if we are doing the same reaction, this reaction that is going to be a reversible reaction. अगर हम लोग यहाँ पे aldehydes लेते हैं, it is seen that the reaction that progresses towards the right hand side. Okay, कर अगर हम यहाँ पे ketones लेते हैं, the reaction that is going to come towards the reverse direction. That means that why the reason for that is he because of steric hindrance. SO3NA जो है वो भी एक बड़ा ग्रुप है, तो अगर वो अटैक करेगा कीटोन्स में तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ को ज्यादा प्रोग्रेस करेगी ड्यू टू स्टेरिक इन्फ्लुएंस. ओके, देन द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव, दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. द थर्ड रिएक्शन व्हिच वी हैव reaction with Grignard reagent. So, ये reactions में हमने already करे कि alcohols बनते हैं, और आपको पता है methods of preparation of alcohols में हमने ये करे थे कि जो aldehydes है वो हमें जो formaldehyde है वो हमें primary alcohol देता है, acetaldehyde हमें secondary alcohol देता है, और ketones हमें tertiary alcohol देते हैं. ठीक है, so let's take all the three and see how the reaction that progress, although we have done this reaction and we are doing this in presence of, let's say, CH3 MgI. Okay, ab yaha pe CH3 that is going to be negatively charged and MgI that is going to be positively charged. So kyunki ye negatively charged hai aur ye positively charged hai, to CH3 attack karega carbon ke upar aur MgI attack karega oxygen ke upar. Theek hai, so
So what do we have over here? We have CH, H, CH3 and OMGI. ठीक है? फिर इसकी हम लोग hydrolysis कर लेते हैं. In presence of water, we are going to get a primary alcohol over here. कि याद आ गई होगी कौन सी रिएक्शन हमने ये वाली जो करी है. अगर हम लोग लेते हैं एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड, वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा, डबल बॉन्ड O प्लस CH3 MgI. सो CH3 अटैक्स ओवर हियर एंड MgI दैट इज गोइंग टू अटैक एट ऑक्सीजन. ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव नाउ? वी हैव ओवर हियर CH3 H CH3 OMGI. ठीक है, हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3 OH. ठीक है, और कीटोन्स के साथ अगर हम यही वाली रिएक्शन करते हैं, सो लेट्स डू इट विद कीटोन्स. डबल बॉन्ड O प्लस CH3MgI. सो कीटोन्स के साथ दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? इट विल गिव अस टर्शियरी अल्कोहल. अगेन मैकेनिज्म वही है, CH3 यहां अटैक करेगा, MgI ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा. सो वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर CH3 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 एंड OMGI. राइट, और इसको जब हम लोग रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2O and H positive, this is going to give us CH3 and OH. So this is going to be a tertiary alcohol. Formaldehyde primary, aldehyde secondary, or ketones, they are going to give us tertiary. Alright, then the last reaction which we are going to do under this category, that is addition of alcohols. Over here, the last reaction, that is fourth which is going to be addition of alcohols. Alcohols ke saath humare paas ek products bante hai which are known as acetals. Theek hai, wo mechanism same hi rehta hai, negatively charge jo hai wo attack karega at the carbon atom or positively charge will attack at the oxygen, that is going to be same. Now, first step में one molecule of alcohol that is going to add, which is going to give us hemiacetal. ठीक है? So we're taking over here R C double bond O and R. Okay? और हम लोग react कर रहे हैं इसके साथ ROH. Now the reaction that takes place in presence of dry HCl. So OH जो होगा being negatively charged will attack at the carbon and R will attack at the oxygen. So वापस जो first product बनता है यहाँ पे ketone बदलो, aldehyde लो. So when this is going to attack over here वापस आ गया R C H OH and OR. ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं हेमी एसिटल. फिर अगर दोबारा ROH के साथ रिएक्ट करते हैं हम इसको अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, दिस इज गोइंग टू गिव अस एसिटल. जहां पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाता है so this is known as
hemiacetal, and this is going to be known as acetyl. Okay, now what is the purpose of dry HCl which we are using over here? This dry hydrogen chloride, this is a question of one mark. ये प्रोटोनेट करता है ऑक्सीजन को, सो ये जो ऑक्सीजन है इसे ये प्रोटोनेट करेगा, राइट? सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स और इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करता है, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग. और अगर हम कीटोन्स के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं देन दैट इज गोइंग टू गिव अस साइक्लिक कीटोन्स. ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे. ऑलराइट.